नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड की तरफ से एक नई वैकेंसी निकाली गई है झारखंड खेल प्राधिकरण की तरफ से। उसी वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन लोग इससे अप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं और ये ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन या फिर इसकी सैलरी कितनी है और कितने टोटल पोस्ट है कौन से कैटेगरी के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तों, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और दोस्तों, सबसे पहले जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर इसे ऑन कर दें, ताकि इस चैनल पर जो भी झारखंड से रिलेटेड वैकेंसी की नई अपडेट डाली जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, झारखंड खेल प्राधिकरण की तरफ से ये चार पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। LDC, कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर, ये चारों पोस्ट के लिए वैकेंसियाँ निकाली गई है। और कितने कितने पोस्ट है तो सारे डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम एक करके पढ़ लेते हैं कि इस नोटिस में क्या है। दोस्तों, संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवश्यक सूचना। झारखंड खेल प्राधिकरण अंतर्गत निम्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, पहला पोस्ट है आपका LDC का निम्न वर्गीय लिपिक के लिए, जिसका मानदेय यानी कि सैलरी आपका 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में रहने वाला है। और इसमें पदों की संख्या पर बात करें तो ST कैटेगरी के लिए एक पद है और जनरल कैटेगरी के लिए टोटल दो पद हैं। तो LDC का टोटल तीन पोस्ट है दोस्तों। इसमें आपके क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा, यानी कि आपको 10+2 पास आउट होना चाहिए। और इसमें एक कंडीशन है कि इसमें आपको गणित या फिर अकाउंटेंट विषय होना अनिवार्य है। और अगर और भी क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है कि लेख अभी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज होने चाहिए, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ईमेल भेजने एवं रिसीव करने का ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तब आप LDC का ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरे पोस्ट की, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, तो इसमें सैलरी होगी आपकी 25,000 से 30,000 और इसमें टोटल पोस्ट है तीन और ये जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें कोई कैटेगरी नहीं है SC ST, इसमें सब कैटेगरी वाले को जनरल से भरना पड़ेगा। और इसमें भी आपका न्यूनतम क्वालिफिकेशन मांगा गया है इंटरमीडिएट के लिए, 10+2 अनिवार्य है और इसमें भी कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा है कि आपको हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। अगर हम बात करें तीसरे पोस्ट की, इलेक्ट्रीशियन की, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए ज़रूरी है, इसमें सैलरी है आपका 15,000 से 18,000 और इसमें टोटल पोस्ट है ST के लिए वन पोस्ट और जनरल के लिए वन पोस्ट, टोटल दो पोस्ट हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए। और इसमें न्यूनतम क्वालिफिकेशन मांगा गया है मैट्रिक, मतलब आपको 10th पास आउट होना चाहिए और साथ ही आपको ITI या फिर डिप्लोमा की डिग्री आपके पास होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा पोस्ट है आपका प्लम्बर, प्लम्बर की सैलरी आपके होगी 15,000 से 18,000, इसमें पोस्ट है आपके ST के लिए एक पोस्ट और जनरल के लिए एक पोस्ट, इसमें भी टोटल आपका दो पोस्ट है और इसमें न्यूनतम क्वालिफिकेशन मांगा गया है मैट्रिक, यानी कि 10th पास आउट होना चाहिए और साथ ही आपका ITI डिप्लोमा की डिग्री आपके पास होना चाहिए, तभी आप प्लम्बर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात कि आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के थ्रू नहीं भर सकते हैं, आप इसको ऑफलाइन ही जमा करना पड़ेगा। आपको इसका ऑफलाइन का फॉर्म का PDF आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आवेदक की सभी अनुलग्नकों सहित विहित प्रपत्र में केवल रजिस्टर्ड या फिर साधारण डाक के माध्यम से इस प्रकार भेजें कि दिनांक 15/6/2018 अपराह्न 3 बजे तक झारखंड खेल प्राधिकरण के कार्यालय में प्राप्त हो जाए। आप डाक को स्पीड पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं, ताकि आपका फॉर्म 15/6/2018 के 3 बजे के पहले वहां तक पहुंच सके, झारखंड खेल प्राधिकरण के ऑफिस में पहुंच जाए। तो इसकी अंतिम तिथि आप मान सकते हैं कि 15/6/2018 के अपराह्न 3 बजे तक ही है। दोस्तों, आवेदन हेतु विहित प्रपत्र एवं नियम व शर्तें खेल प्राधिकरण एवं सूचना जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट www.saza.in पे आप इसके सारे डिटेल को देख सकते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म को भरने से पहले इसमें कुछ नियम और शर्तें दी गई थी। झारखंड खेल प्राधिकरण की तरफ से एक आवेदन भी निकाला गया था, जिसमें कि आवेदन निःशुल्क है, इसमें आपकी कोई भी
फी नहीं लगेगी दोस्तों। और आवेदक भारतीय होना चाहिए और आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। और ये सारे कुछ कंडीशन है जो जिसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इस फॉर्म को मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी फॉर्म को आपको भर के एड्रेस पे भेजना है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड इस एड्रेस पे भेजना है। तो आप इस फॉर्म का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बात की झारखंड की तरफ से कुछ जो वैकेंसी निकाली गई थी एलडीसी, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्लम्बर के लिए, उससे रिलेटेड सारे डिटेल कि कौन से लोग क्वालिफिकेशन क्या है और सैलरी क्या है और कितने पोस्ट हैं। दोस्तों इसी तरह के और भी वीडियो झारखंड से रिलेटेड वैकेंसी की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर इसे ऑन कर दें, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट की जाती है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।